भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक गैजेट आ गया है ना, एक गवर्नमेंट की वर्क ऑर्डर आई, मुस्लिम कॉलोनी के अंदर 13,99,00,000 रुपए के गटर मंजूर हो गए। मेरे पास में उसका गैजेट है ना, डायरेक्ट गैजेट है, ऐसा नहीं कि झूठी बात है, कोई भी आकर देख सकता। सांड पानी व्यवस्थापन की ऑर्डर को गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी, इसमें आंकड़ा 13,99,00,000 रुपए की कटरे मंजूर है जीएसटी के साथ। ये बनेगी नहीं बनेगी ऐसा नहीं, वो आना नहीं आना वो तो अल्लाह के हाथ में यार, वो धाने का सहरा है ना। तो मसले मसाइल अपनी जगह, कटरे भी बनेंगी, अल्लाह ने चाहा तो रोड भी बनेंगे, क्योंकि अब नाता भाव अपने साथ आ गया तो आमदार का लग रहा वो भी आएगा और करेंगे अपने काम। धर्म की बात नहीं, बीजेपी में जाने से रोड बनेगी क्या? नहीं, अल्लाह बनाएगा, उसको फिक्र है अपनी। बीजेपी में जाने से, प्रवेश कर लेने से रोड बनेंगे नहीं, है ना। बीजेपी में जाके रोड बन गए तो क्या फायदा, फिर तो अपनी मुसलमानी गई सारी, है ना। मुसलमान कितना परेशान है बीजेपी से सभी देखते। तो ये छोटी छोटी बातें जाने दो, मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे साथ में है, मुझे पता है। सिर्फ आने वाली 15 तारीख को ऐसा कुछ जादू करो कि सामने वाले का टोकरी खाली रह जाए सारी, है ना। और हमारे तीनों को चिंता ना, क्योंकि आने वाले समय में देखो बहुत अच्छी बात याद आ गई। ग्राम पंचायत जो है स्वराज्य संस्था है, बहुत छोटा काम है ना। नगर पालिका बहुत बड़ी बात रहती है, अपन छोटी सी बात है, अपन गांव के लोग है, खेड़ेवाड़ी के लोग है, कोई अपनों को क्या है चिंता ही नहीं कोई को। पहली बार ग्राम पंचायत जो ग्राम सेवक अपने मेंबर रहता ना, उसको कोई नहीं गिनता। बस अच्छी बोल रहा, उनको सलाम भी नहीं करता अपने इधर तो कुछ नहीं, उनको सलाम कहाँ मिलता है छोटे छोटे गांव में। अरे मेंबर है हमारा, या तो क्या जा रहा जाप है कौन गुजरा दे रहे थे, मसलियत है। और मेरा ऐसा कहना है कि सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी बात, ग्राम पंचायत का काम अब सारा नॉलेज हो गया। नया आदमी आएगा चुन के जाएगा, साला वड़ा पाव खा के 3 साल वापस आएगा, कुछ फायदा नहीं। अब यहाँ पर कैसा पूरा छप गया हुआ है, वो ग्राम पंचायत वाले बोलते रईस मेंबर को हटा दो, साली मुस्लिम कॉलोनी का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, रईस मेंबर कभी नहीं हटेगा, कोई नहीं हटा सकता। ये बात ध्यान में रखो, तुम सब साथ में मेरे, ऐसा आगे बढ़ो। ये सारी बातें अपनी जगह, ये सारी जगह अपनी जगह है, जो किया वो जाने दो, अब बहुत कुछ करना है। 1135 घर कुल मंजूर करे गए, 1135 का वोट नहीं, बाप का वोट नहीं, औरत का वोट नहीं, अकेले का वोट है, भी रईस मेंबर ने कार्ड बना के दिया है ना। बड़ा मैं अब एक बहुत बड़ा पुजारी आ गए अपने घर में, मालूम है, बहुत बड़ा धरती माते भी। चलो ग्राम पंचायत के इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि आमदार खासदार के इलेक्शन हो गए। यह पोस्टर, यह बैनर, यह तासे घर के सामने फटाके, अरे वाह क्या बात है, मजा आ रहा कि नहीं। लगना चाहिए कि साले इलेक्शन में तो क्या फायदा इलेक्शन लड़के। अब वो जो खड़ा है उसको पूछो, उसके बेटे का वोट नहीं, उसके बहू का वोट नहीं, 30 साल से इलेक्शन लड़ रहे, बता देना भाई, है ना। तो ये लोग जो खुद का काम नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या काम करेंगे, कर ही नहीं सकता। अब रहा काम का सवाल, मेरे बैठ में पंखा मिला था आज तक चल रहा, दिल्ली में बनीज नहीं हुआ, बनीज नहीं हुआ, ये पंखा हमेशा चल करेगा। बस अच्छी बोल रहा तुमको, पंखे की हवा कभी खत्म नहीं होंगे, देखो चल रहा खाना का, उसके बगैर काम ही नहीं चलता। अगर निशाना भी अच्छा है, चाय बना गैस पर, पंखे के नीचे बैठ जाती, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। एक चब्बसी, एक पंखा, एक गैस का सिलेंडर, तीनों घर में अना खटाखट छपेंगे, इतने बोलता। और आप सबको अगर मुझसे मोहब्बत है ना, तो कल 11 बजे मेरी रैली निकलने वाली है, तो दांत खट्टे कर दो लोगों के। इतना साला ताबा के ताबा 500 और पीछे घूमने को ना भाई, है ना, घूमेंगे, वादा करते क्या 500 और घूमेंगे। इतने कह के दो बातें खत्म कर दो, आपने मेरी बात सुनी। आपको अगर किसी को कुछ बुरा लगा मैं तो माफी चाहता हूँ भाई। आगे बढ़ो, अस्सलाम वालेकुम।